सुनिए, मेरे गहने अच्छे लग रहे हैं ना? देखिए ना, ये हार कितना सुंदर है। हाँ, है तो सही। आप इतना डर क्यों रहे हैं? कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इतने गहने मत घुमा करो। वो देखो, आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। आओ बिना। अरे 40 ग्राम सोने का कितना कीमत है पता है? हाँ ठीक है। अरे पकड़ो ना। क्या हुआ? देखो ना, वो मेरा हार लेकर भाग गया। आप लोग भी ना मंदिर में दर्शन के लिए आते हो या गहने दिखाने के लिए? रुको रुको, मेरे बैग पे ध्यान दो, मैं आता हूँ। तेज चला भाई, तेज चला गुरु, तेज चला। इतनी देर हो गई, वो आया नहीं अभी तक। दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई। अरे हम लोग को भी देना। अंकल हमारा बॉल है, प्लीज हमें दीजिए ना। अंकल प्लीज, अंकल हमें खेलने दीजिए ना। प्लीज अंकल, अंकल बॉल दीजिए ना हमारा। तुम्हारा भांजा आया हुआ है और आते ही उसने नीचे बच्चों के साथ लफड़ा भी शुरू कर दिया है। मुझे तो लगता है कि गांव में जरूर कोई गड़बड़ करके आया होगा वो। मुझे तो डाउट हो रहा है कि तुम्हारी बहन ड्रामा करके उसे हमेशा के लिए हमारे गले बांधना चाहती है। ऐसी बात क्यों कर रही हो तुम? वो बहुत अच्छा लड़का है, वैसे भी अपना कोई बच्चा नहीं है, हमारे साथ ही रहने दो। क्यों? हमारे मरने के बाद चिता जलाने के लिए किसी को भी रास्ते से उठाकर अपने घर में रख दोगे? बेकार की बातें मत करो, चुपचाप अंदर जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। चिल्ला रहे हैं, मेरी बातें तो हमेशा गलत ही लगती है। अगर यहाँ उसने कोई गड़बड़ की ना तो तुम ही संभाल लेना। मामा आ जा बेटा, अंदर आ। गांव में सब ठीक है ना? मामा वो क्या हुआ कि? तुम कुछ भी मत कहो, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। देखो तुम्हारी मामी गरम गरम रोटी बना रही है, उसे खा कर आराम कर लेना। तुम चिंता मत करो, 4 दिन आराम करो, उसके बाद कुछ ना कुछ मैं व्यवस्था कर ही दूंगा। मुझे अभी जरूरी काम है बेटा, शाम को आता हूँ, फिर आराम से बात करेंगे। अभी चलूं? अरे जा रहा हूँ मैं, बाय। ठीक है जी। अरे सुनो, इंस्पेक्टर जी के घर आए हो? कौन से गांव से हो? मंडी रत्ना गांव है आंटी। कितने पढ़े लिखे हो? BSc में फर्स्ट क्लास किया है। सच में? कितने परसेंटेज आए? 92%। 92%? गांव के लड़के तो ठीक ठाक पढ़ते हैं, शहर के लड़के लड़कियों के पीछे पीछे साइबर कैफे में भटकते रहते हैं। ए, पागल। यस सर। पढ़ना नहीं होता है तो यहाँ क्यों आते हो हमें परेशान करने? तेरी तो। किसने बोला? मैंने सर। ए, चुप करो सर, आप पढ़ाइए। वैसे भी बेंगलुरु आए हो तो आगे की पढ़ाई करोगे ना? हाँ आंटी, मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने के लिए तो आया हूँ बेंगलोर में। मारो, 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 मारो। वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं आंटी?
ओ वो अमीर लोग खेलते हैं, उसे गोल्फ कहते हैं। यहाँ से तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। रुको, इससे देखो सब ठीक से दिखाई देगा। यार ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। लेट हो रहा है, जल्दी आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ। ए राजा। अरे यार जब देखो तब बुला दिया। राकेश, I'm sorry. Hey. क्यों जानू, नींद नहीं आ रही है क्या? सोने से पहले मेरी ही तरह ध्यान करो, ये बात मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, तुम नहीं सुनोगी। अपने दिल को हल्का रखना चाहिए कि बस लेटते ही नींद आनी चाहिए। कल से तुम भी मेरे साथ बैठकर प्राणायाम करोगी, हाँ तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मुझे देखो, मैं जैसे ही लेटता हूं मुझे नींद आ जाती है। हाय राकेश। हाय रोहन। हाउ आर यू यंग मैन? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बहुत बिजी आदमी हो गए हो तुम, अपने सारे काम छोड़कर अपनी बीवी के साथ गोल्फ कोर्स में आए हो। झूठी तारीफ मत करो, क्लब जाने के लिए ये मुझे रोज परेशान करती रहती है। और मुझे स्टिक पकड़नी भी नहीं आती है, एम लगाने की बात तो छोड़ो। आज मैं आधे घंटे के लिए फ्री था तो सोनू यहाँ पर कैसे प्रैक्टिस करती है मैं ये देखने के लिए चला आया। Superb. Your wife is a fantastic player. इनके strokes में ball तो नजर ही नहीं आता सर। Really? आज आप आए हो ना? You will see it. अरे नहीं नहीं मुझे छोड़ दो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारी मीटिंग्स हैं। 6 o'clock एक मीटिंग, 7 o'clock another, and then 8 o'clock 300 crore deal. It's like that. अरे कभी तो थोड़ा सा इस गरीब को भी दे दीजिए। थोड़ा सा क्या, पूरा दिन ही ले लो, सब तुम्हारे लिए ही है। खेल खत्म होने के बाद यू आर कमिंग टू ताज फॉर डिनर? यस ऑफ कोर्स। देन सी यू देयर। सी यू डार्लिंग। बाय। सी यू सून। ए जी, नारी शक्ति के प्रेसिडेंट के घर में सत्यनारायण की पूजा है, मैं चलती हूँ। ये भी वैसी है बिल्कुल तुम्हारे पति की तरह, सुबह हुआ नहीं की महिला संघ की औरतों के साथ घूमती रहती है और शाम हुआ नहीं की इसके घर पे पूजा, उसके घर पे आरती, बस यही चलता रहता है। ठीक है जाइए। बाय बाय। शाल वी लेट्स गो।
कल रात को मुझे नींद नहीं आई। बार बार मेरी नजरों के सामने आकर तुम मेरी नींद खराब कर रही थी। तुम्हारी यादों में मैं सो ही नहीं पाया। पता नहीं हम दोनों के बीच ऐसा कब तक चलता रहेगा। हो गया क्या? हे! स्टॉप! हे! कौन है तू? हे रुक! हे! देख, वो टेप मुझे दे दे, ला। ए ए ए ए! देख, सब देख लिया मैंने। देख, मैं कह रहा हूँ, वो टेप दे दे मुझे। मत लो। ए, टेप दे मुझे। बाय बाय। देख, टेप दे मुझे। सब रिकॉर्ड कर लिया। चलो चलो चलो। ओह गॉड।
That's okay. I'm coming to London next week. I hope our meeting goes as per our schedule. I don't want any further delays. Bye. Okay, Janu. मुझे लेट हो रहा है, मैं अब चलता हूँ. टेक केयर, ओके, सी यू. सी यू. टेप वापस करने के तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ? 5 लाख? 10 रुपए कमाने की औकात नहीं है तुम्हारी, ऐसे ही चलेगा ना तो भीख मांगनी पड़ जाएगी हमें. 10 लाख? अरे जाकर कहीं मर क्यों नहीं जाता, घर में बैठकर रोटियां तोड़ता रहता है. 20 लाख? 8 सब्जेक्ट में से तू 7 सब्जेक्ट में फेल हो गया है, अरे तू आगे क्या करेगा? ओके, तो फिर 50 लाख ले लो. तुम जैसे भिखारी ने पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे होंगे. हे स्टॉप, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी. तुम्हें कितने पैसे चाहिए खुद ही बता दो. एक ग्लास पानी मिलेगा? प्लीज अब तो बता दो कितने पैसे चाहिए तुम्हें. मुझे पैसा नहीं चाहिए. डर मत, मेरी तुझमें दिलचस्पी नहीं है. मेरा रास्ता ही अलग है. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो शरीर के लिए प्यार करते हैं. मैं तो चाहता हूँ कि दिल से दिल मिलने चाहिए. क्या कहती हो? 1 करोड़? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं मैडम, मैं जिंदगी भर अमीर बनकर जीना चाहता हूँ. मैं यहाँ आने से पहले आपके पति के बारे में सारी बातें जान चुका हूँ. सिर्फ 6 साल में 6,000 करोड़ कमाने वाला एक बड़ा बिजनेसमैन है वो, और भगवान पे यकीन करता है या नहीं करता ये तो पता नहीं, मगर तुम पे बहुत करता है. आपके साथ शादी करने के बाद उसका नसीब खुल गया ऐसा वो मानता है. दूध वाले से लेकर तो बड़े बड़े कंपनियों के चेक्स आपके बिना साइन नहीं होते मैडम, और ऐसे पति को आप धोखा दे रही हो. हाँ चलो ठीक है, ये सब बात करने का मुझे कोई हक नहीं है. एक बात समझ में नहीं आई कि सोने का अंडा देने वाला ऐसा डायनासोर आपके पास है और आप सिर्फ मुझे 1 करोड़ दे रही है. मेरा प्लान थोड़ा अलग है. मैं चाहता हूँ कि मेरा मरने तक का खर्चा आप ही उठाओ. इतनी सी छोटी बात को लेकर सर पे हाथ दे के बैठ गई आप तो. अगर मेरी डील आपको सही लगी तो बात करो, नहीं तो मैं तो निकल जाऊंगा. अरे भाई लोग, अपुन की लाइफ सेटल हो गई है, चलो एंजॉय करते हैं. ए सीधे से सोना, थू पागल कहीं का चांस मार रहा है. हम पहुंच गए, चलो उतरो. ये कहाँ है रे? आजा आजा आजा,
What? एक हफ्ते में 25 लाख रुपए खर्च कर दिए? तुम पागल हो गई हो क्या? 10 हजार में कोई हाथ काट देता है और 20 हजार में पैर, और 50 हजार दिया तो सीधा सर कट जाता है। हजारों में काम होने वाली बात को तुमने लाखों खर्च कर दिए। Look, you just say yes, I will kill him. हेलो, तुम कब आ गए? 5 मिनट हुए हैं। तुम्हारे ऑफिस का काम खत्म नहीं हुआ? मीटिंग मीटिंग मीटिंग। टुमारो आई विल बी लीविंग टू लंदन टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। आई विल बी बैक आफ्टर 1 वीक। अरे अपनी बीवी के साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करो। उसे फोन दो। हाय जानू, कैसे हैं आप? आज ग्राउंड पर नहीं गए? नहीं, आज नहीं गई। क्यों, क्या हुआ? वो थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है। व्हाट हैपेंड? डॉक्टर को फोन करो। नहीं नहीं, इतना ज्यादा दर्द नहीं है, दवाई लगा ली है, ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसे फोन दो जरा। ए, ऐसी प्रैक्टिस क्यों करवाई कि इसके पैर दुखने लगे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो, मेरी बीवी किसी टूर्नामेंट में नहीं जाने वाली है। माय वाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। उससे कहो वो थोड़ा रेस्ट कर ले। आई विल। मेरा दोस्त क्या कह रहा है पता है? राकेश, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? एक अनपढ़ गवार तक ये समझता है कि शरीर से शरीर मिलाने से अच्छा दिल से दिल मिलाना है, वही सच्चा प्यार होता है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद हमने कितनी बड़ी गलती कर दी ना। अगर एक बार होता है तो उसे गलती कहते हैं, दूसरी बार होता है तो वो स्टाइल है। मुझे ऐसा स्टाइल नहीं चाहिए। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ राकेश। मुझसे ये नहीं होगा डिया। मेरे जिस्म से तुम्हारे जिस्म की खुशबू नहीं निकल पाएगी। ए छोटे, यहाँ आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। कार में बैठो, वहीं बात करेंगे। अरे क्या बात है, यहीं बोल दो। कार में बैठकर बात करूंगा, बोला ना। चलो अंदर। चलो भाई, भाई को अंदर आराम से बैठाओ। आजा भाई, बैठ अंदर आजा। ए, वो टेप कहाँ है? भाई मैंने तभी पूछा था कि तुमको क्या चाहिए, तभी तुमने बताया नहीं, और अभी टेप मांग रहे हो मुझसे। ए, टेप अभी चाहिए हमको। अरे उस टेप को पंख नहीं लगे जो यहाँ आ जाएगा। एड्रेस देता हूँ, वहाँ जाके ले लो, समझा? बहुत होशियार बन रहा है तू। इंस्पेक्टर के घर में आकर हमें टेप लेने के लिए कह रहा है। अब क्या करूँ बोलो। ए, टेप अभी दे हमको। ए झंडो, वो टेप यहाँ कैसे आएगा? बाप रे, खून। हेलो, मैं वेंकटेश बोल रहा हूँ सर। अरे ये क्या सर, जैसे ही उसे एक मारा वो बच्चे के जैसा रोने लगा। और आप उसे मारने के लिए इतने सारे लोगों को भेज दिया? उस पागल को ऐसे ही मत छोड़ देना। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके हाथ से वो टेप छीन लो और हमेशा के लिए उसे ऊपर भेज दो। आप चिंता मत कीजिए सर, सिर्फ 5 मिनट के अंदर सब ठीक हो जाएगा।
ये क्या कर रहे हो तुम? ए! ये क्या कर रहे हो? ए! Stop it! मैडम क्या हुआ मैडम? वो मैं इंग्लिश मूवी देख रही हूँ। अच्छा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बड़े बजट की फिल्म। नो नो प्लीज नो 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 स्टॉप इट स्टॉप इट। No, no, please, please, please. Belgium glass है। मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार से दिया है। प्यार से दिया है? प्यार क्या होता है? जानती है तू? हाँ? झूठ बोलती है? Please stop. Please stop it. Please no. मैंने तुझसे 25 लाख क्या मांग लिए तो तूने मुझे मारने के लिए गुंडे भेज दिए। हाँ, उस वजह से जो कुछ भी ये टूटा है उसका भी तो हिसाब करना होगा ना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, राकेश ने ही उन गुंडों को भेजा था तुम्हें मारने। अच्छा, तो तेरा दिमाग कहाँ गया था तब? हाँ सुन, अमीरों की तरह जीना मैंने सिर्फ एक हफ्ते से ही शुरू किया है। आगे मुझे अमीर बनकर ही जीना है, अमीर बनकर ही रहना है और अमीर बनकर ही मरना है। अगर तू मेरे रास्ते में आई ना तो तुझे पता नहीं मैं तेरे इस आलीशान बंगले को खंडर में बदल दूंगा, समझे? सुन, मुझसे बचने के लिए तेरे पास दो ही रास्ते हैं। एक तो पति को बता दे और दूसरा पुलिस को बता दे। तेरे पति से कहा तो तेरी लाइफ फिनिश, और अगर पुलिस को बता दिया तो वो मुझसे भी बड़े मगरमच्छ है, तुझे कच्चा चबा जाएंगे। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। मुझे इस देश के बाहर जरा घूमने जाना है तो मेरा वीसा पासपोर्ट रेडी कर। कहाँ जाना है सोच के बताता हूँ। वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अरे जस्ट डायल में कॉल कर, सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा, समझी ना। राजा, हमें कौन से गांव में जाना है जल्दी से बताना। अबे टॉयलेट यही है यार। हमेशा के जैसे धर्मशाला में जाएंगे। धर्मशाला में मैं नहीं जाऊंगा, चाहे तो वो टी चलो। अबे वो टी। हेलो, वो बोटी नहीं ऊटी है भाई। अच्छा तो ठीक है, मुझे वो टी ब्रेक टी से डर लगता है मुझे। तो मुझे फ्लाइट में उड़ के जाऊंगा। तो फ्लाइट में टीटी नीचे रहेगा। अबे तू ज्यादा ही बोल रहा है, लगता है तुझे गांव भेजना पड़ेगा। ठीक है मेरी जान, अगर ऊपर जाना है तो भला तुम्हें कौन रोक सकता है। ए, देखो मुझे भी एक छोटी सी बात कहनी तू है। बीच में अपना मुंह मत खोल। तो फिर क्या खोलूं? सुन, बेवकूफों जैसी बातें मत करो यार, सीरियसली सोचो। राजा, वहाँ बिल्ली डांस देखने को मिलेगा क्या? पेट दुख रहा है क्या? जीरा पानी पी लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये सब लोग अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? गांव में गांव की तरह, दिल्ली में दिल्ली की तरह। ये मेरा मलेशियन स्टाइल है, तेरे गांव का स्टाइल नहीं चलेगा यहाँ पर। बिल्ली भी शेर की जात की होती है, लेकिन क्या वो शेर की तरह शिकार कर सकती है क्या? कालिया मुझे ही बनाता है। राजा, राजाओं के राजा, गाँव में हम बैलगाड़ी चलाते थे, तू हमें यहाँ हवाई जहाज से लेकर आया यार, तेरा ये एहसान कैसे चुकाएंगे यार? तू मुझे झाड़ पे चढ़ा रहा है ना? तूने कुछ कहा क्या? हाँ, तुझे तू कुछ सुनाई दिया क्या? सब सुनाई दिया। ये सब क्या चल रहा है यार, यहाँ आने के बाद बच्चों की तरह तुम लड़ रहे हो। ठीक है भाई। राजा, मलेशिया में देखने के लिए कौन सी जगह है ये कौन दिखाएगा हमें? सुंदरी
तुम्हारी भाभी? ये तो इसकी भाभी को बुला रहा है। मैंने कहा ना, वो तुम सबकी भाभी है। वो तो समय ही बताएगा किसकी भाभी है और किसकी बीबी होगी। कॉलेज में एडमिशन मैंने ही दिलवाया था ना। या आओ आओ, एंड मोर ओवर वो हमारा ही पीजी है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। या बाय बाय। हाय हाय, नमस्कार मैडम, आप इंडिया से हो? हिंदी में मैं कविताएं लिखती हूँ, फेमस कस्तूरी जी की बेटी हूँ मैं। वैसे आप लोग कौन हैं? हेलो, वो सब तो ठीक है, मगर आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, कुछ बताओगी हमें? एक्चुअली मेरे डैड NRI हैं, स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन देते हैं, कभी कभी यहाँ आती रहती हूँ। अच्छा वैसे तुम लोग कौन हो? मैं तो इसका मतलब है आप भी हमारे यहाँ? तो चलो फिर आपके घर चलते हैं। किसके घर? परिचय होना चाहिए मैडम। मैडम माय नेम इज वित्रा, सेलिब्रिटी फिगर। ये मेरा दोस्त है सुनील, प्यार से हम इसे पेंगा बुलाते हैं। वो हमारे बॉस हैं, हमें गांव से निकाल कर मलेशिया लाने वाले महापुरुष यही हैं। ये है अनिल, कंप्यूटर का किंग है आर्यभट्ट। और ये है मैसूर मलेशिया में कैसे लिंक होगा? बेटा बिल्ली बिल्ली है और शेर शेर ही होता है। कुछ कहा क्या तूने? ब्यूटीफुल, ये कौन है? अबे ढक्कन, ये भी अपने इलाके की है। अरे पहले मैं सुनूंगा बाद में तुझे दूंगा। ये म्यूजिक लवर है क्या? नहीं ये बैरा है। तो फिर ईयरफोन लगा कर क्या? वो क्या है कि दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए कि ये बहरा है, इसीलिए ये सब करता है। You're so funny. Bye bye. Bye. वो जा रही है, वो be beautiful. Bye bye. मैंने कुछ कहा क्या? क्या बात है, क्या बात है। अबे वहां देख, देख चलो यार। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। देखने में तो हमारी गांव वाली ही लगती है। कैसे कह सकते हो? अरे रुक जा, अभी दिखाता हूँ। गिर गई। सॉरी गलती हो गई। क्या हो रहा, क्या कर रहे हो? इसे इंडिया समझ रखा है क्या? अगर इससे पंगा लिया तो अच्छा नहीं होगा। कम कम कम। ए ब्यूटी क्वीन। ए याहू। ए क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ कह नहीं सकता मैं, बस अनुभव हो रहा है। अनुभव हो रहा है। हे सुनील, अरे ये सब कब तक करेगा यार? जिंदगी भर वो साइकिल चलाना चाहता है, जॉनी लीवर बनना है उसको। जॉनी लीवर बनना चाहता है। साइकिल चला कर ये पतला हो गया है। पतला होने की जरूरत तुझे? चल अपना बॉल पकड़। तू आकर पकड़, पता चलेगा। चुप कर, ए चुप कर। ए बहुत थक गया यार, चलो नहाने चलते हैं। राजा
तेरी जैसी बॉडी बनाने के लिए क्या करना होगा? मैं बताता हूं। बता दे। दिन के 4 बियर, 4 पैकेट सिगरेट और 1 पैकेट मिर्ची खा ले। क्या रे, गलत रास्ता बता रहा है? इसके जैसा बनना चाहते हो ना राजा? यहाँ देख, वो वही लड़की है ना? है? ये देसी है या विदेशी है अभी पता चल जाएगा। What the hell is going on here, man? What the hell is this? Kya? What the hell are you doing here? No, there is no problem. Send him out. I don't want this guy to be here in the hotel. Okay, guys? You guys, listen carefully. Get lost from here right now. Please, sir. Chalo, chalo yahan se. Stupid fellow. Mailari! Mailari! मैलारी, अरे वो चला कहाँ गया? चला गया? क्या हुआ? और वो कहाँ है? तुम्हारे सामने तो हूँ। तुम नहीं तो फिर वो मैलारी? मैडम, मैलारी दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया पता नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? यही आसपास होगा, चलो ढूंढते हैं। हाँ, चलो, 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 चलो। कृष्णा, क्या पता कहाँ गया? क्या पता ये कहाँ गया? वो हकला मैलारी यही गई है, उसकी खुशबू मुझे आ रही है। क्या कह रहे हो तुम? क्या फो वो फो क्या हूँ क्या हूँ? कंफर्म वो यहीं पर है। हाँ, कैसी हो? हाय मैलारी डार्लिंग, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। हाय, ये क्या है, पूरा गेटअप ही चेंज कर दिया? वो मलेशिया का गेटअप था, ये मलेशिया का गेटअप है। हाय, ओके, तुम ब्यूटी इन भिखारियों के साथ क्यों आई हो? अब तक हम लोग तुझे ढूंढ रहे थे और तू हमें ही भिखारी बोल रहा है। अबे लड़की देखते ही तू हमको भिखारी बोलेगा? तेरी तो बाल से मारो, भिखारी बोलेगा? भिखारी तू? रुक जाओ मैलारी। मलेशिया मलेशिया चियर। तो पीने के बाद चीयर्स बोल रहा है यार, लगता तेरे को चढ़ गई है। सॉरी यार, गलती हो गई। देखो राजा, मैं बोल रहा हूँ, तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है। मलेशिया ले जाकर तुमने लोगों को बेली डांस दिखाने को बोला था, यहाँ फुटपाथ पे बैठाकर टीन की बियर पी रहा है। जैसे आया हूँ बियर पी रहा हूँ, बियर पानी की तरह पी रहा हूँ यार, व्हाट इज दिस? मैं भी यही चाहता हूँ। अरे ठीक है, मलेशिया से जाने से पहले उसे दिखा देंगे। ओके, थैंक्स यार। ओके, मेरी भी एक इच्छा है। क्या इच्छा तेरी? मसाज करवानी है। दो कौड़ी का चिन्नी चोर भिखारी मसाज करवाना चाहता है। तुमने कुछ बका क्या? लड़कियों के साथ तुझे मसाज करवाना है कि नहीं करवाना, ये बता। लड़कियों के साथ? अरे मजा आ जाएगा भाई, खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मसाज करवा दो। ओके मलरे डन। हे, देखो ये तो वही लोग हैं ना जो उस दिन हमें मिले थे, चलो ना उनसे बात करते हैं। तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगी। ओके। अच्छा, कैसे हो? Hey, oh my look God, at her. Who is she? Hey, move. This is my seat. I don't know where are you from. Seriously, you don't understand? Move. What? Move. Yeah. I don't have time. Move. Come on. She's strange. So funny. So funny.
ए सुन, तू यहाँ पे संभाल, मैं जरा बात करके आता हूँ। सुपर है ये। अरे ये क्या हो रहा है, मैलाली जी तो ठीक से बात कर रहे हैं, तो ये क्यों तोतला की बात कर रहे हैं? वो क्या ना कि दो घूट जाने के बाद मैं क्लियर हो जाता हूँ और ये तोतला हो जाता है। मिस इंडिया ब्यूटी क्वीन, hey, where are you going? Huh? Hey, what are you doing here? छोड़ो से, छोड़! I will kill you. Hey, come on, come on, let's move. डरपोक कहीं के। Sorry जी। Sorry क्यों? Actually, इस काम के लिए मुझे thanks कहना चाहिए। आप क्यों sorry कह रहे हैं? आपने मेरी मदद की है। और आप ही मुझे सॉरी कह रहे हैं, हाउ पुअर। ए सॉरी मैं इसलिए कह रहा हूँ, उस दिन जो स्विमिंग पूल में मैंने बदतमीजी की उसलिए। मेरे सामने नाटक कर रहे हो, इन गुंडों को तुमने ही भेजा था ना, और सिर्फ दिखावे के लिए तुमने झगड़ा किया ना, ये चीप टेक्निक्स मेरे सामने नहीं चलेगी। हेलो, मैं यहाँ तुम्हें पटाने के लिए नहीं आया हूँ, ये जो फालतू बातें हो रही है मुझे नहीं आती है सब। कोई लड़की को छेड़े तो उसे बचाना चाहिए, इसे इंसानियत कहते हैं, समझी? अब लग रहा है कि मैंने गलती कर दी है। रुकिए, अरे ये सब तो मच्छर काटने जैसा है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो फिर बांधने तक खामोश क्यों थे? छुआ तूने तो कुछ हुआ है, स्माइल स्माइल। उस दिन जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं वही बता देती ना। लेकिन क्यों, यहाँ नहीं बता सकती? पहले तुम अपने बारे में बताओ, फिर मैं अपने बारे में बताऊंगी। मेरे बारे में बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में मेरा बिजनेस है और बिजनेस से टेंशन टेंशन टेंशन। इन सारी बातों से थोड़ा फ्री होने के लिए मैं दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं फॉरेन में पढ़ूं, वैसे तो वो बहुत अमीर हैं, लेकिन मैं यहाँ पीजी रह रही हूँ। क्या तुम मुझे 4 दिन कंपनी दे सकती हो? ऐसा गलत मत समझना, घूम फिर के मजा करेंगे, बाकी कुछ नहीं। घूमना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर मगर क्या? मेरी फ्रेंड पूजा है ना, वो भी मेरे साथ पीजी में रहती है, अगर ये बात उसे पता चल जाएगी तो वो मेरी दादी को बता देगी, मुझे उसी का डर है। बस इतनी सी बात, वो सब मुझ पे छोड़ दो। तुम आ गए राजा, ये जेसी है, पीजी हाउसकीपिंग इंचार्ज। ओके, मैं चलती हूँ। राजा, यही हम रहते हैं। अच्छी जगह है, वहाँ देखो। वो बिल्डिंग? नहीं, उसके पीछे। वो घर? हाँ, वो ट्विन टावर्स मलेशिया में बहुत फेमस है, वो देखो। ट्विन्स, तुम और तुम्हारे दोस्तों के जैसे हैं। वहाँ देखते हैं। हाय। हेलो सर, कैन आई सी दिस? दिस वन? अच्छा है, मेरे लिए काफी है। hey, मैं तुम्हें पहली बार कुछ दे रहा हूँ और वो इतना छोटा। मैं तुम्हें ऐसा कुछ देना चाहता हूँ कि तुम लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। क्या तुम इससे अच्छा कुछ दिखा सकती हो? Sure, sir. Wow. Marvelous. How about this? It's beautiful. It's really nice. ये तुम्हें पसंद आया ना? How much is this? 1 lakh ringgits. 1 lakh ringgits. ये लो. Is that okay? Not enough, sir. Oh, not enough. मेरा पिया ऐसा ही है, मैं बाहर जाऊंगा तो कितना खर्च करना है ये सब वही तय करता है। Anyways, keep this advance. I will come tomorrow and pick it up. Okay, sir. Shall we move? Uh,
हेलो, नमस्ते, कैसी हो? कुछ नहीं, मुझे 50,000 की जरूरत है। यहाँ आते ही एक लड़की से मुझे प्यार हो गया और उसे छोटा सा गिफ्ट देना है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। ए, तू समझता क्या है अपने आप को? हाँ, तेरी सारी बातों से डर कर तू जो भी बोलता रहेगा मैं वो करूंगी, क्या समझ क्या रखा है? क्या बात है, आवाज बहुत तेज हो रही है तुम्हारी। देश के बाहर हो इसलिए चिल्ला रही हो क्या? ज्यादा चिल्लाओ मत, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं भी हूँ। इंटरनेट जैसी चीजें होती है जहाँ से पैसा ट्रांसफर होता है। मेरी बात सुनो, कल तक मेरे हाथ में पैसे आ जाने चाहिए, समझी? अब मैं वो सब नहीं करूंगी। इतने बड़े बड़े कांड करती हो, इतना छोटा काम नहीं होगा। ओ, इतना भरोसा है तुझे? पहले जा और अपने रूम में देख ले, पैसा आ जाएगा ना। इतने पैसे खर्च करके तुझे बेवजह फॉरेन भेजूंगी, मैं तुझे पागल लगती हूँ। जाओ 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 जाओ। कोई हमारे रूम में घुसाया था। राजा, सारा सामान बिखरा हुआ है यार। ये देख। क्या यार? इस बैग किसने किया ये सब? राजा, मेरे कपड़े भी गायब है यार। अरे यार। राजा, ये देख, ये क्या है? ये तो ड्रग्स है। ड्रग्स? राजा, पासपोर्ट भी गायब है यार। लगता है फंसा दिया हमको। अब क्या करेंगे? चलो 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 यार, चल जल्दी, चलो जल्दी, चल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चल जल्दी कर, चलो चलो निकलो यहाँ से, हम खतरे में फंस सकते हैं, पासपोर्ट भी गायब है। अरे टेंशन मत ले, चल चलो। राजा, पुलिस आ रही है, क्या करें? अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, चल भागो भागो। That side over there. इस देश में गाना सुनना गुनाह है क्या? क्यों पुलिस हमारा पीछा कर रही है? कोई तो कुछ बोलो। क्या राजा, हमें अपने साथ लाकर तूने हमारे साथ ऐसा किया? पासपोर्ट वीजा कुछ भी नहीं है, अब गांव कैसे जाएंगे यार? अरे यार, गांव में बैलगाड़ी चला रहे थे, वो ही अच्छा था। भाई भूख लगी है यार। माँ की याद आ रही। तुम्हें गांव तक सही सलामत ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम चुपचाप बैठो। ए, मेरी बैग दे। लो। थैंक यू मैम। हेलो मैडम। प्लीज प्लीज मैडम, हमें बचाओ, हमारे पास एक रुपया भी नहीं है। एक तो पुलिस वाले भी हमारे पीछे पड़े हैं। हमें माफ कर दो मैडम, प्लीज। माफी? और तुझे पता है तू सांप है, अगर तुझ पर दया दिखाई तो मुझे ही काट लेगा। मेरे सारे दोस्त रोड पे आ गए हैं, मुझसे गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मैडम, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। वहाँ आते ही मैं आपको वो टेप लौटा दूंगा और वहाँ से अपने गांव लौट जाऊंगा मैडम। मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। फोन काटिए मत मैडम, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मैडम। तुम्हें लगा कि मैं वाकई में डर गया?
ए, मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगी मैडम। बचपन से ही मैंने सीखा है जब कोई मर्द रोता है तो कोई भी उस पर दया बिल्कुल भी नहीं दिखाता। सही बोल रहा हूँ ना? हेलो मैडम, सुन रही हो ना? तुम्हें क्या लगा बिना सोचे समझे मैं यहाँ घूमने आया हूँ? तुम्हें क्या पागल लगता हूँ मैं? जा देख ले, अपना लैपटॉप ऑन करके देख ले। जा 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 जा। ईमेल चेक कर अपना। इनबॉक्स इनबॉक्स में देख, ओपन कर उसे। फोटो तो मैं सही खींचता हूँ ना? तुम्हारे पति ने तुम्हारे हजारों फोटो देखे होंगे, मगर ऐसे फोटो नहीं देखे होंगे। उन वीडियो में से कुछ क्लिप भेजी है मैंने तुम्हें। तुम्हारे पति को अगर वीडियो दिखा दिया फिर तुम ऊपर। और तुम्हारे पति का ईमेल आईडी rohan@krishna.yahoo.com। सही बोल रहा हूँ? प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। प्लीज, तुम्हें वो पैसा हाफ एन आवर में मिल जाएगा। तुम जो मांगोगे तुम्हें दूंगी, मगर प्लीज। राजा। अबे साउंड बॉक्स। देखो, मैं सारा को दिल से चाहता हूँ, इसीलिए मेरे बारे में उसे मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं पैसे वाला बिल्कुल नहीं। मैंने जो भी बोला वो सब झूठ था। आगे उसकी मर्जी, उसे जो करना है वो करे। ओके, लव। अच्छा डन। ओके, ला ला ला। अबे पीछे हटना, दिमाग खराब कर रही यार। हाय हाय यंग मैन, हाउ आर यू? वेयर इज सारा? शी इज गॉन। वेयर? टू द एयरपोर्ट। चलो चलो गाड़ी में बैठो। क्या हुआ यार? अर्जेंट एयरपोर्ट जाना है। एक मिनट, अभी आया। हेलो। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो यहाँ मेरे पास है, तो तुझे वहां कैसे मिल सकती है? अरे रे रे रे, मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, वो तो खुद ही मेरे पास आ गई, क्योंकि उसे मैंने ही वहां भेजा था। वहां जो कुछ भी हुआ है ना, वो मेरे कहने पर हुआ है, और उसके साथ जो दूसरी लड़की थी वो भी मेरी ही थी। हिंदी में कविताएं लिखती हूँ, फेमस कस्तूरी जी की बेटी हूँ मैं। What the hell is going on here, man? What the hell is this? ए, 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 राजा, वहाँ देख, वो वही लड़की है ना, तू यहाँ पे बिठा के मिला रहा है। तो जल्द से चलो चलो जल्दी आगे।
दो दिल मिलने के बाद जो प्यार होता है उसका तो सुख ही अलग होता है ना। तूने उसे यहाँ ड्रामा करने के लिए भेजा होगा, मगर वो मुझसे प्यार करती है, समझी? टेंशन मत ले, कूल हो जा और फ्लाइट में बैठ जा। 24 घंटे के अंदर अंदर तू यहाँ पहुँच जाएगा। अगर तुझे वो लड़की चाहिए तो वो टेप मुझे दे दे। राजा बेचारा बहुत थक गए होगे ना। ये लो जूस पी लो, बासी खाना खाकर भी तुम्हें इतना घमंड है। तुम मुझ जैसी जो सोने की स्पून से खाती हो उसे कितना घमंड होगा। वो कहाँ है? अरे वो अभी तो नहीं है, यहीं पर थी। उसके पंख निकल आए हैं, उड़कर चली गई होगी। अब तक तुमने मेरे साथ गेम खेला, अब गेम खेलने की बारी मेरी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें वो लड़की चाहिए तो टेप। लगता है तुम दोनों बेवकूफ हो। कोई भी एक लड़की के पीछे एक हफ्ते में कोई किसी के लिए इतना पागल हो सकता है क्या? अगले हफ्ते किसी और देश में जाके किसी और लड़की से प्यार करूंगा, और अगले हफ्ते किसी और देश में जाके किसी और से प्यार करूंगा। अरे आपको मेरा खर्चा उठाना है, इतना गर्मी से काम मत क्या करो। ये लो जूस पी लो, नहीं चाहिए। हाँ, एक बात सुन लो, मेरे साथ खेल खेलोगे तो जीत नहीं पाओगे, मुझे अगर फंसाने की कोशिश करोगे तो खुद ही फंस जाओगे। अरे ऐसा बेवकूफ बॉयफ्रेंड पटाओगी तो ऐसा ही होगा ना, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, तुम्हें नहीं इस बेवकूफ को। तुम्हारा घर सदाशिव नगर में है ना? ए, देखा, तुम्हारी बीवी महिला संघ की सेक्रेटरी है ना? ए कबड्डी राजा, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना? मेरा दोस्त फोटोज और वीडियोस लेके तुम्हारे घर पहुंचने ही वाला है। नहीं, नहीं। अरे झूठ लगता है तो फोन करके पूछ ले। हेलो सौम्या, घर में कोई आया है क्या? नहीं अब तक तो कोई नहीं आया। क्यों? सिक्योरिटी को फोन दो। सिक्योरिटी, घर के आसपास कोई है क्या? सर कोई नहीं है सर। उसे पूछ कोई ऑटो आया है क्या? सर सर एक ऑटो आ रहा है सर। उससे पूछ उसमें कोई रेड शर्ट पहने हैं क्या? सर कोई रेड शर्ट वाला उस ऑटो से उतर रहा है सर। हे मैडम से, सर ये मैडम से मिलना चाहता है सर। ये पार्सल देना है, ये उन्हें पार्सल देना चाहता है सर। hey, रुको रुको, अंदर नहीं जाना है, मैंने कहा ना अंदर नहीं जा सकते तुम, रुक जाओ। नंबर 14, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ क्रॉस, जयनगर। प्लीज प्लीज आस्क हिम टू स्टॉप। सुन, अपना काम हो गया, तू लौट जा। ओके बॉस। ए कौन है तू, अंदर क्यों आया? हे देवरानी, चल बाहर निकल, मुझे धोखा दिया तूने धोखेबाज। तो तू है उसकी दादी, ऐसे संस्कार दिए तूने उस पे? थू, उसे रास्ते पे छोड़कर तू यहाँ मजे कर रही है? हाँ कहाँ छुपा के रखा है उसे, बता मुझे, सामने आने से डर रही है क्या? ओहो, तो तुम हो उसके माँ बाप? हाँ, पैसे के लिए तुम अपनी बेटी से कुछ भी करवाते हो? हाँ कब से मैं चिल्ला रहा हूं, कहां है वो? हाँ डर के मारे छुप गई है क्या? ए जा बुलाओ उसे। हाँ ये सारा का ही घर है ना, कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया? क्या रे? बहुत बड़ा गुंडा बनता है, सोच कर बनता था, गुंडा बनता है तेरी तो ऐसी गुंडा है क्या तू? गुंडा समझते अपने आप को? गुंडा तू, बहुत बड़ा गुंडा तू, मारो इसे। जीतो
जिंदगी भर चक्के पीते रहना, छोड़ना नहीं इसको। हे नागेश, जरा इधर आओ। अरे कौन है वो और उसे इस तरह से क्यों मार रहे हो? सर बहुत बड़ा आवारा है ये, कमिश्नर के घर में घुस करके बवाल कर रहा था सर। ओ ऐसी बात है, जाओ 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 जाओ। राजा, राजा, ये तो राजा की आवाज है। ए नागेश सर इधर आओ। अरे वो मेरा भांजा है, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसे क्यों मार रहे हो? सर कोई भी हो, कमिश्नर से बात कर लीजिए आप। हाँ हाँ, इसीलिए तो सब मुझे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं ना। ओके ओके ठीक है, मैं डीजी से बात करता हूँ। ओके सर जी। बैठिए चंद्रमोहन जी। थैंक यू सर। बोलिए क्या बात है? वो क्या है सर, मैं जिस पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हूँ वहां पर मेरे भांजे को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है सर। जब मैंने उनसे पूछा क्यों, तो मुझे बोला गया कि कमिश्नर साहब से बात कर लो। आपके भांजे का नाम क्या है? राजा नाम है सर। और कुछ नहीं तो राजा नाम मिला था आपको। देखिए अपने डिपार्टमेंट में आप रिश्वत न लेने वालों में से हैं, इसलिए आपको मैं यहाँ कुर्सी पर बैठा कर बात कर रहा हूँ। लेकिन उसने ऐसा क्या गलत काम किया सर? गलत? उसने मेरे ससुर जी के घर में झगड़ा किया है, वहां जाकर उसने मन में जो भी आया है वो बकवास की है। और आपको पता है उनसे हमारे कितने अच्छे संबंध हैं? वो लोग इतना घबरा गए हैं कि उनकी जिंदगी में कभी ऐसा फिर दोबारा ना हो, उन्होंने बहुत ही कड़ा एक्शन लेने के लिए मुझसे कहा है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है सर, बस जहाँ वो पढ़ता था वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था। मामा इस बार क्लास में मेरा फर्स्ट रैंक आया। माँ मेरा प्यारा बेटा, मेरा नाम जरूर रोशन करेगा, जीता रहे। और इसलिए हमारे टीचर ने मुझे ये पेन दिया है माँ। अरे क्या हुआ? देखिए जी क्लास में ये फर्स्ट आया। ऐसा है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। राम राय के घर में जाओ, कुछ देगा तो उसे लेकर आओ। ठीक है ठीक है पापा। ऐसा लड़का था वो, लेकिन उसके बाप को रिश्वत लेने की बुरी लत थी, जिसकी वजह से उसका बचपन बर्बाद हो गया। राम राय जी कौन हो? मैं तहसीलदार रुद्रापा का बेटा हूँ। अच्छा तुम ही हो? यहीं रुको। सर ये मेरा। एक मिनट। ये ले जाकर अपने बाप को दे देना। ठीक है। सभी जगह पर रिश्वत वसूल करने के लिए उसका बाप उसे ही भेजा करता था। वेरी गुड। कहा जाता है कि बच्चों का दिल खुली हुई किताब है। रिश्वत का पैसा अपने बाप को छुपाते हुए देखकर वो भी गलत रास्ते पर जाने लगा। दूसरे बच्चों की अच्छी जिंदगी देखकर राजा को भी उसी तरह से जीने का मन करने लगा। राजा रामराजी के घर जाओ, उनसे कहना कि पिताजी ने भेजा है। ठीक है पापा। सही गलत क्या है ये बच्चे तो जानते भी नहीं है, और वहां उसका खुद का बाप उससे गलत काम करवा रहा था। इतना ही काफी है एक बच्चे को बर्बाद करने के लिए। फिर वो रिश्वत के पैसे चुराकर दोस्तों पर खर्च करने लगा। गलत रास्ते पर चलता हुआ राजा गंदी गंदी आदतें सीखने लगा। पापा रामराय जी के घर जाना है क्या? नहीं अभी नहीं जाना, जब मैं बोलूंगा तब जाना। पैसा दो। नहीं है, कल दे दूंगा। पैसा अभी देना होगा। मैं कौन हूँ पता है ना? तहसीलदार रुद्रापा का बेटा हूँ। जो भी है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पैसा दे। हाथ हटा। ए तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर पैसे लेकर आता हूँ। ये ले अपनी आइसक्रीम। क्या है? मेरे पिताजी ने भेजा है, उन्होंने 1,000 रुपए मांगे हैं। 1,000? 10,000 में से अगर 1 रुपया भी कम हो जाए तो नहीं लेता था, उसने 1,000 रुपया क्यों मांगा? फिर उसके बाप के दिमाग का बल्ब जला, लेकिन तब तक वो हाथ से निकल चुका था। राजा तू रामराज जी के घर गया था, उनसे मेरे नाम पे तूने पैसे मांगे, बोल ऐसा क्यों किया? बोल। आप भी तो रिश्वत लेते हो,
उसमें से मैंने को चुरा लिया तो क्या गलत किया? क्या हुआ जी, क्यों आ रहे हैं? तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है, मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। बच्चे को प्यार से पालने की जगह वो लोग उसे रोज मारते थे, जिससे उसके दिल में चोट लगती थी। फिर वो बार बार गलती करने लगा। क्या हुआ राजा? मैं लिखना नहीं चाहता मास्टर जी। क्या मतलब? ये लीजिए। कितने पैसे हैं? 10,000। कह देना कि काम हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, सिर्फ गलत काम में उसका मन लगता था। क्यों रे, एग्जाम में क्यों नहीं किया? मुझे लिखने का मन नहीं किया, इसलिए मैं आ गया। मतलब कि तेरा पूरा साल बेकार जाएगा? ऐसे कैसे जाएगा? क्या कहा? आप हेडमास्टर से बात करके पास करवा दो। आखिर में वो अपने बाप से ही उल्टी बातें करने लगा। पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। सर, बस यही है हमारे राजा की कहानी। सर जी, मैं जानता हूं कि उसने गलती की है और उसे उसकी काफी सजा भी मिल चुकी है। सर, सिर्फ एक बार दया करके उसे माफ कर दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। सर, आपका चेहरा देखकर मैं उसे छोड़ रहा हूं। अब अगर आगे से वो कभी उस रोड पर या एरिया के आसपास दिखा भी ना, तो एनकाउंटर के नाम पर मैं उसे उड़ा दूंगा। संभल कर रहने के लिए कहिएगा। ठीक है सर। हेलो। सारा के घर का एड्रेस मांगा तो तूने कमिश्नर के घर का एड्रेस दे दिया। हाँ, अब मेरी बात कान खोल के सुन ले। पैदल आऊंगा तो 20 मिनट लगेंगे, रिक्शा से आऊंगा तो 10 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं पैदल आ रहा हूँ। जैसे ही मैं आऊंगा वो कैसेट तेरे पति के हाथ में दे दूंगा। मेरी बात सुनो, वो लड़की उसी एड्रेस पर है, मगर उस बंगले में नहीं है, उसके आउटहाउस में है। मुझे अब तुझ पे भरोसा नहीं। देखो, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो, मैं खुद तुम्हें वहां पर लेकर चलती हूँ। प्लीज, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। चलो मेरे साथ। जी मैडम। सारा को बुलाओ। सारा, मैडम बुला रही है। माँ, अनीता मैडम आई हैं, मुझे बुला रही हैं। तो जाना बेटा। मैडम, सारा मेरे साथ चलो, कुछ जरूरी काम है। हाँ तो ए! छोड़ो, छोड़ो मुझे। चिल्ला मत। छोड़ो, नहीं। देखो, अपने वादे के मुताबिक मैं इस लड़की को ले आई हूँ, अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। ये सब नाटक करने के लिए तूने ही भेजा था ना, इसका फैसला होने तक तू यही रुकेगी, समझे? मैं अभी आ रहा हूँ। ए, रुक जा। ए, सुनो, रुको। ए, मुझे मारने का तुम्हें क्या हक है? तुमने अमीर होने की एक्टिंग की, मैंने भी की। एक्टिंग इज एक्टिंग, हिसाब बराबर हो गया। देखो, मैं कोई अमीर लड़की नहीं हूँ,
एक साधारण लड़की हूँ, घर में काम करने वाली की बेटी। जब मेरी माँ फ्री रहती थी तब मैं दूसरों के घर में काम करती थी, तब मुझे अनीता मैम मिली। शरीर को पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। हाँ माँ, कुछ खाने के लिए लाई? सारा, खाना बन गया ना बेटा? हाँ, ये तो पैसे हैं। माँ, ए तुम लोग बाहर जाओ और खेलो। चल चलते हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से लाई माँ? अनीता मैडम ने दिए हैं, पूरे 5 लाख हैं। कल उनके घर चली जाना, उन्हें तुमसे कुछ काम है और वो जैसा कहती है वैसा करना। कुछ ज्यादा काम नहीं है, बस एक लड़के को अपने झूठे प्यार में फंसाने का नाटक करना है। सिर्फ नाटक करना है, समझी? इससे बेहतर तो मरना है। जैसा बोलती हूँ चुपचाप वैसा कर। बस उसके साथ नाटक करने को कह रही हूँ, उसके साथ सोने के लिए नहीं कह रही। दिन भर मेहनत करके 100 रुपए भी नहीं कमा पा रही। तुम तीनों को कैसे पाल रही हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ऐसे हालात में भी इसका उसका पैर पकड़ कर तुझे कैसे पढ़ा रही हूँ, इसका तुझे कोई अंदाजा भी है क्या? कब तक आखिर इतनी मेहनत करती रहूंगी मैं? पैसों के लिए लोग क्या क्या करते हैं पता है तुझे? मैं ऐसा नहीं करूंगी। नहीं करेगी? नहीं करेगी? अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो देख मैं क्या करती हूँ, अपने आप को खत्म कर लूंगी मैं। छोड़ मुझे, अकेले चैन से जीने दे इसे। माँ नहीं, रुको माँ। छोड़ मुझे। नहीं माँ। तुम्हारी बहन मेरी बात नहीं सुनती है, तुम लोग भी मेरी बात नहीं सुनोगी। चुप कर। माँ, ये क्या कर रही हो माँ? रुक जाओ माँ। नहीं माँ। नहीं माँ। 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 नहीं माँ, ऐसा मत करो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। नहीं माँ। मतलब इस दुनिया में पैसे से बढ़कर कोई नहीं है? देखो, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, हम दोनों बहुत अलग हैं। क्यों अलग है? हाँ, तू भी लोफर है और मैं भी लोफर। देखो मेरी बात सुनो, मेरी माँ की एक इच्छा है, एक अमीर आदमी से मेरी शादी करवा कर वो सेटल होना चाहती है। कितना चाहिए? 5 करोड़ या 10 करोड़? उसे जितने भी पैसे चाहिए ना, उसके मुंह पे मार के तुझे लेके आऊंगा। एक मामूली सी बात पर तुमने कमिश्नर के हाथों से मार खाया। जरा सोचो, मेरी माँ उनके घर में 20 सालों से काम कर रही है। अगर मेरी माँ ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो सोचा है क्या होगा? मैं तुम्हें उस हाल में नहीं देखना चाहती राजा, मुझे भूल जाओ। एक रोटी के लिए अपने भाई का सर तोड़ के मैं यहाँ आया हूँ, और तू तो मेरी जान है, तेरे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। अनीता, एनी प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप तो मुझे रानी जैसे रखते हैं, आराम से रह रही हूँ। आप कभी मुझसे नहीं पूछते कि कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सब कुछ अपनी मर्जी से करती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। इसके अलावा लाइफ में एक औरत को और क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ सच में। आप तो रिलैक्स रिलैक्स। एक बार में इतना कुछ कह गई, जरूर परेशानी में है। हाय रोहित। हाय। अरे ऊपर तो आओ भाई। हाय। क्या बात है, क्यों बुलाया था? बैठो। ये डिटेक्टिव तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? इतना परेशान क्यों हो? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कम ऑन यार, जो कुछ भी है 100% सीक्रेट रहेगा। अब बताओ किसे फॉलो करना है मुझे? मेरी बीवी। अगर मैंने तुम्हें कहा कि मेरी बीवी को फॉलो करना है तो मुझे गलत मत समझना। शी इज माई लाइफ। अगर आज तक किसी से मैंने प्यार किया है तो वो ही है, पर मुझे लग रहा है वो किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है। पर वो क्या है
ये मुझे जानना है। एक लड़के का हाथ पकड़कर उसे कार के अंदर बैठा रही थी, ये देखकर कोई भी पति शक किए बिना नहीं रह सकता, मगर मैं उस पर किसी भी तरह का शक नहीं करना चाहता। किसी औरत के लिए मर्यादा, इज्जत, प्रेम, प्यार, इन सबसे कहीं ज्यादा वासना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, उसकी प्रॉब्लम जानना है बस। हे, मैं तेरा फ्रेंड हूं, मैं खुद इस केस को पर्सनली हैंडल करूंगा, मुझ पे भरोसा करो और आराम से रहो, जल्दी सब कुछ बताऊंगा। ओके? लगता है मेरे हस्बैंड को मुझ पर डाउट हो गया है, मुझे डर लग रहा है राकेश। ये तुम्हारा भ्रम है, आई नो रोहन, उसे मुझ पर डाउट नहीं है। He doubts me, राकेश। इसका एक सलूशन बताऊं? तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। देखो, तुम मेरे प्यार को नहीं समझ रही हो। इसे प्यार नहीं कहते हैं। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस तुम चाहिए। हेलो। नमस्ते मैडम, क्यों, कैसी है आप? सब ठीक है ना? मैं कैसे भी रहूं, कहीं भी रहूं, इस बात से तुम्हें क्या मतलब? बार बार फोन करके मुझे परेशान क्यों करते रहते हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? वो क्या है कि मेरी सारा मेरे सपने में आती रहती है और मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसे बात करना चाहता हूँ। मुझे क्या दलाल समझ रखा है तुमने? ये मैंने करने के लिए कहा क्या? आपने मजबूरी में किया है। हम दोनों को मिलना है ये मैंने आपसे कहा, तो आप तो टेंशन में आ गई मैडम। और तो कुछ कहा नहीं आपसे। आपके घर पे उसे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, उसे ऊपर भेज कर रहूंगा। प्लीज, उससे उलझने की जरूरत नहीं है तुम्हें, एक बार ऐसा करके अंजाम भुगत चुकी हूं मैं। सारा, मेरे रूम में एक नई क्रीम रखी हुई है, जाकर ले आना प्लीज। अभी लाती हूं। छोड़ो, मेरी माँ नीचे है। सच बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो फिर इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें पसंद हूँ ना। तुम्हें लेट हो रहा है तो तुम चली जाओ, सारा को बाद में भेज देती हूँ। ठीक है मैडम। मेरे साथ आओ, मेरे हस्बैंड आ गए हैं, जल्दी आओ, छुप जाओ कहीं। तुम मेरे साथ आओ, चलो। तुम अचानक वापस आ गए। लैपटॉप भूल गया था। रोज योग करते हैं फिर भी भूल गए। योग से मेंटल प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता है। ज्यादा टेंशन मत लो, टेक इट इजी। हाँ हाँ, थैंक यू। तुम तो हमेशा बेडरूम में फेशियल करवाती हो, आज यहाँ क्यों करवा रही हो? इट्स टू हॉट अपस्टेयर्स, इसीलिए। ओके जानू, टेक केयर, बाय बाय। I'm sorry, मैडम। तुम्हारी वजह से मेरी जान चली जाएगी किसी दिन। ये सब क्या हो रहा है? मैडम उनका पति आने पर तुम्हें क्यों छुपाती है? तुम्हारा उनसे क्या संबंध है? तुम उनके बॉयफ्रेंड हो क्या? तुम्हारे सच बोलने तक मैं ऐसा ही सोचूंगी। मेरे साथ जीना चाहते हो तो मुझे सच बताओ, बताओ मुझे सच क्या है, प्लीज राजा, सच्चाई बताओ मुझे। ठीक है तो सुनो,
उस रात क्या हुआ था? हे भगवान, इतना सब कुछ हो गया। अगर तुम मेरा प्यार चाहते हो तो जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा ही करना होगा, नहीं तो मुझे भूल जाओ। देखो, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हारे पास जितने गंदे सबूत हैं वो तुम उन्हें दे दो, और आगे से तुम उन्हें कोई तकलीफ नहीं दोगे, ऐसा मुझसे वादा करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है कि यह तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें प्यार से ज्यादा पैसों की जरूरत है। चलो चलते हैं। कहाँ? तुम्हारी मैडम को टेप देकर माफी मांगनी है, शायद वो माफ कर दे। टेप कहाँ है? I'm sorry, ये रहा आपका टेप। तुम्हारे जैसे भिखारी ने जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा होगा। ए, स्टॉप! I'm sorry, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। कितने पैसे चाहिए तुम ही बता दो। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? काम हो गया। आगे से मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा, मैं इसकी कसम खा के कहता हूं। लाखों रुपए खर्च किए तुम पर, तुमसे भीख मांगी, तुम्हें धमकी दी, पिटवाया तुम्हें, पर तुम किसी के सामने नहीं झुके, लेकिन अपनों के सामने झुक गए। जो काम पैसा नहीं कर पाया वो काम तुम्हारे प्यार ने कर दिया। रियली, लव इज ग्रेट। थैंक यू वेरी मच सारा, तुमने सच में मेरी जिंदगी बचा ली। आई नेवर फॉरगेट दिस इन माई लाइफ। अगर लाइफ में तुम दोनों को कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। थैंक यू मैम। राजा, प्यार में इतनी शक्ति होती है ये मुझे पता नहीं था। पत्थर जैसा कठोर था मैं, लेकिन सारा ने मुझे इंसान बना दिया। अब मैं मेहनत करके आगे की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हें जो ठीक लगा वो करो राजा, चाहे 5 स्टार में खाओ या फुटपाथ में खाओ, उसका स्वाद तो बस यहाँ तक ही होता है। तुम खुश रहो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे पर तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? परेशान क्यों राजा, तुमने बुलाया तो हम आ गए, अब तू बोल रहा है तो हम जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। राजा, तुझे कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद करना यार, हम सब तेरे साथ हैं और हमेशा तेरे साथ रहेंगे। चलो यार, चल हम चलते हैं, मिलते हैं। देखो मुझे नौकरी मिल गई। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी। ये 5,000 की कमाई मुझे 5,00,000 की तरह लग रही है। राजा, तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे ना? तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कौन है?
छोड़ मेरी बेटी को। माँ, ये क्या कर रही हो? माँ, मार्श। क्या कर रही है बेटी से? माँ, तू चुप कर। मेरी बेटी को जाल में फंसाने के लिए कितने सालों से इंतजार कर रहा है ना तू? बोल, सच कह रही हूँ ना? तुम्हारे बेटी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ, माँ। ओह, महीने में 5,000 कमाने वाला तू शादी भी करना चाहता है? अरे तुझसे तो वो भिखारी अच्छा है। मतलब पैसे से ही सब कुछ होता है? हाँ हाँ, पैसा चाहिए, वही जरूरी है, वरना मेरी बेटी से शादी करके तू उसे भी भिखारन बना देगा। छी? कितने पैसे? 1,00,000 रुपए चाहिए। ला कर देगा क्या? ला कर दिया तो? हाँ ला कर देखा, फिर मैं खुद अपनी बेटी की शादी तुझसे करवा दूंगी, वादा करती हूँ। चल, बेशरम कहीं, चल मेरे साथ। बड़ा 1,00,000 रुपए लाने वाला भिखारी कहीं का। हाय रोहन। अनीता, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। हमारे बीच जो भी हुआ मैं उसे भूल नहीं सकता। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ अनीता। नो राकेश, नो, स्टॉप इट। प्लीज अनीता, ऐसा मत करो। अनीता, कम हियर। तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने ही रहोगी। गलत, नहीं, गलत है राकेश। गलत सोचना ही गलत है। प्लीज अनीता, कुछ गलत नहीं है। प्लीज प्लीज कोऑपरेट। नो राकेश, नो नो, प्लीज स्टॉप इट। प्लीज अनीता, नो राकेश, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। अगर मेरे पति को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसे पता चल गया तो मैं संभालूंगा। राकेश, स्टॉप, स्टॉप इट राकेश। एक लाख रुपए चाहिए, ला कर देगा क्या? थैंक्स राजा, थैंक्स। तुलसी का पाउडर और मुल्तानी मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर ले। इन दोनों चीजों से फेस मसाज बहुत अच्छी तरह होता है। ठीक है माँ। माँ, शायद बारिश आने वाली है, मैं सूखे हुए कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक है। पैसे लाए? नहीं। अनीता मैम से नहीं मिले क्या? मिली थी, लेकिन मैं उनसे बोल नहीं पाया। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे अरे, मेरे घर तक आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, प्यार करने जितना आसान नहीं है, 1,00,000 रुपए कमाना समझा? शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की हिम्मत कहाँ से आई तुझ में? गरीब है तो क्या पैसों के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी? ए, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। कमिश्नर के पास जाकर तेरी कंप्लेन करवा कर तेरे हाथ पर नहीं तोड़वाए तो मेरा नाम बदल देना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ राजा। कोई चाहे कुछ भी करे राजा, मैं तुम्हारी ही हूँ, पर तुम जाओ, प्लीज यहाँ से जाओ। उसने मेरे रास्ते में टांग अड़ाया है, उसे खत्म करना होगा। मालिक,
क्या बात है शारदा जी? आपके ससुर जी के घर में जो लफड़ा करके आया था वही लड़का अब मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। मेरी बेटी का क्या होगा ये सोचकर ही डर लग रहा है। घर में आकर धमकी देकर गया है कि शादी करेगा तो मेरी ही बेटी से। इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ मालिक, आप तो जानते हैं कि हम कैसे हैं। उस गुंडे के हाथों से मेरी बेटी को बचा लीजिए मालिक। आप डरिए मत बिल्कुल। रंग बाबू, चंद्रमोहन जी को लाइन पे बुलाइए। नमस्ते सर, मैं चंद्रमोहन बोल रहा हूँ। सुनिए सर, आप अपने भांजे से कह दीजिए सुबह तक वो शहर छोड़कर चला जाए। सर, उसके साथ साथ आपको भी ये शहर छोड़कर जाना होगा। सर, ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है सर। यस सर। हाँ, अब वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। जाओ। मेरा खुद का बच्चा नहीं है, मैंने तुझे ही अपना बच्चा समझा था। ऐसा क्यों किया तूने बेटा? आज ही तुझे ये शहर छोड़कर जाना है, ये कमिश्नर साहब का कहना है। आखिर तूने इतनी बड़ी गलती क्या की? तू अभी नादान है, आज नहीं तो कल समझ जाएगा, इसीलिए तुझसे कभी कुछ नहीं पूछा। मगर आज तुझसे पूछ रहा हूं बेटा, क्या बात है बता। मैं यहां से चला जाऊंगा मामा। राजा, ये गलत बात है, ये जानते हुए भी जो गलती करता है वो गलत है, लेकिन गलती करने के बाद जो उसे छुपाने की कोशिश करता है वो सबसे ज्यादा गलत है। बता दे बेटा। मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। रोहन। मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। सच कड़वा होता है, लेकिन कभी कभी सच भी सच नहीं होता। क्या कह रहे हो? See this. कल सुबह मैं गांव जा रहा हूँ, मुझे और थोड़ा समय चाहिए। मैं मेहनत करके 1,00,000 रुपए मैं तुम्हारी माँ को दे दूंगा सारा, और तुमसे शादी करूंगा। तब तक मेरी माँ किसी और से मेरी शादी करवा देगी, तुम्हारे अलावा मैं नहीं जी सकती। हम साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। कल सुबह 7 बजे तुम इसी स्टॉप पे आ जाना, हम कहीं और जाकर अपना घर बसा लेंगे सारा। अगर आने में देर हो जाए तो मेरा इंतजार करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सारा, तुम आओगी ना? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना सारा, मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहता हूँ। जय हो लक्ष्मी माता। इससे पहले भी तुम्हें मैंने ये काम दिया था, लेकिन तुम खुद ही मार खा के आ गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चिंता नहीं कीजिए बॉस, पिछली बार हम 6 लोग ही गए थे इसीलिए वो बच गया था, लेकिन इस बार हम 60 लोग जाएंगे, टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। इस बार उसके बचने का कोई चांस नहीं है। उसके घर में बड़ा सा फोटो लगाकर माला मैं डालूंगा। ये एडवांस है और बाकी का काम होने के बाद। Thank you.
चलो तुम आगे चलो। ए बच्चे, सुनो, मेरे आने तक तुम यही इंतजार करना। जी भैया। ए हेलो हेलो, कहाँ जा रहा है बे? ए छोटे रुक जा, हम लोग यहाँ मजाक करने नहीं आए। क्या सुन रहे हैं? क्या सुनाई नहीं रहा? ए रुक जा, आ, 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 आ
नहीं, नहीं। हाय रोहन, क्या बात है? अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाया? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कम बैठो। एनी प्रॉब्लम? मेरी बीवी का किसी दूसरे के साथ अफेयर है। छी, तुम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग को देखकर ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं जानता हूं उसे। इज्जत मेरे हाथ में है। I can't believe this। ये तो कितना घटिया आदमी दिख रहा है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। देखो, तुम्हारा एक स्टेटस है, तुम ऐसे बेकार के फोटो देखकर जल्दबाजी में गलत डिसीजन मत ले लेना। नहीं यार, आई शुड पनिश। अगर पनिश करना है तो इसे पनिश करो जिसने अनीता के साथ गलत किया है। आई मस्ट पनिश। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, उसे मैं जान से मारूंगा। नो, उसे जान से मैं मारूंगा। मुझे तो डाउट हो रहा है। 20 सालों से वो मेरा दोस्त है, इस घर को बनाने में उसने भी काफी मेहनत की है, उस पर क्यों शक हो रहा है तुम्हें जानू? दोस्त है, उसे बेडरूम तक आने दिया तुमने, उसी का फायदा उठाया है उसने। उसके साथ निकाला हुआ उसका वीडियो भी देखो। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूं अनीता। नो राकेश, नो, स्टॉप इट। गलत सोचना ही गलत है। प्लीज अनीता, कुछ गलत नहीं है। प्लीज कोऑपरेट।